हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 2.1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। अब एक बॉक्स में 4 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। रेड 4 बॉल्स एंड ब्लू 2, टोटल 6 बॉल्स। थ्री बॉल्स आर साइमल्टेनियसली ड्रॉन एट रैंडम। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द सिलेक्टेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द रेड बॉल्स इन द सिलेक्टेड बॉल्स। देखो, मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड नंबर्स, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। एक्सपेक्टेड नंबर्स का मीनिंग होता है कि हमें ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, और ई ऑफ एक्स ही मीन होता है। 4 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हमें निकालने हैं, और वो जो 3 बॉल्स हैं वो रेड बॉल होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है हमें और उसका मीन कैलकुलेट करना है। नाउ रेड बॉल 3 बॉल्स निकालने हैं, सो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। 3 के 3 रेड हो सकते हैं, मीन्स 0 ब्लू बॉल्स निकले। ऐसा भी हो सकता है कि 2 रेड बॉल्स निकल जाएं तो 1 ब्लू निकलेगा। यह भी हो सकता है कि 1 रेड बॉल निकले और 2 ब्लू बॉल्स निकल जाएं। ऐसा भी हो सकता था कि 0 रेड बॉल्स निकले, 3 के 3 ब्लू निकल जाए, लेकिन ब्लू है ही नहीं 3, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया ऐसा हो सकता था कि अगर ब्लू बॉल्स 3 होते तो। सो यहां पर रखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू, अब हमें एक्स क्या लेना है, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। एक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नाउ नंबर ऑफ रेड बॉल्स में अगर हम एक्स इक्वल्स टू 0 ले लें तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 0 रेड बॉल निकला तो 3 बॉल्स निकालने हैं हमें। अगर रेड 0 निकला तो तीनों के तीनों ब्लू होने चाहिए, लेकिन ब्लू तो 3 है ही नहीं। सो एक्स इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल। नाउ एक्स इक्वल्स टू 1, 1 मीन्स अगर एक रेड बॉल निकला तो। अब टोटल 3 बॉल निकाले हैं, एक बॉक्स में 4 रेड बॉल हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं, टोटल 6 हैं, हमें 3 बॉल निकालने हैं। 3 में से एक ही रेड बॉल निकला, बाकी के 2 कौन से निकले होंगे, तो 2 ब्लू निकले होंगे, क्योंकि रेड एक निकला है और टोटल हमने 3 बॉल निकाले हैं, तो बाकी के 2 बॉल ब्लू निकले होंगे। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, रेड एक बॉल निकला है, टोटल है कितने 4, तो 4c1, 4 में से एक रेड निकला, सो बाकी 2 कौन से निकले होंगे, ब्लू। सो 2c2 डिवाइड बाय 6c3, टोटल 3 बॉल्स निकले हैं, इसलिए 6c3। सो एक रेड बॉल निकला, 4 में से एक, बाकी 2 ब्लू निकले होंगे, 2c2 एंड टोटल 6c3। नाउ ये कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट होता है वो आप 11th में भी सीख कर आए हो, और इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया था उसमें भी मैंने आपको सिखाया था। सो 4c1 की वैल्यू होगी 4, 2c2 का वैल्यू होगा 1 एंड 6c3 की वैल्यू होगी 20, तो ये हो जाएगा 4/20। नाउ ये तो था x इक्वल्स टू 1, मीन्स एक रेड बॉल निकला। नाउ x इक्वल्स टू 2, अगर 2 रेड बॉल्स निकले तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नाउ टोटल 3 बॉल्स निकालने हैं, अगर 2 रेड बॉल्स निकले हैं इट मीन्स 1 ब्लू बॉल निकला होगा, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 रेड बॉल्स, 4 में से 2, सो 4c2
चार में से टू रेड बॉल निकले और एक ब्लू बॉल निकला है. सो ब्लू है 2C1 डिवाइड बाय 6C3. नाउ 4C2 का वैल्यू होगा 6, 2C1 की वैल्यू होगी 2 एंड 6C3 का वैल्यू होगा 20. सो 12/20 ये वैल्यू हो जाएगी अगर टू रेड बॉल्स निकले तो. नाउ इफ एक्स इक्वल्स टू 3, नाउ 3 रेड बॉल्स निकले तो क्या होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 3 रेड बॉल्स, सो 4C3, 4 में से 3 रेड बॉल निकले. अब 3 रेड बॉल निकले होंगे तो 0 ब्लू बॉल निकलेंगे. 2C0 डिवाइड बाय 6C3. नाउ 4C3 4, 2C1 1 एंड 6C3 20. तो ये हो जाएगा 4/20. सो देखिए हमें टोटल 6 में से 3 बॉल्स निकालने हैं. 3 के 3 रेड हो सकते हैं, 2 रेड हो सकते हैं, 1 रेड हो सकता है, 0 रेड नहीं हो सकते. 0 रेड तब पॉसिबल था जब ब्लू के 3 बॉल्स होते. तो अगर ब्लू 3 बॉल्स होते तो 0 रेड बॉल्स पॉसिबल थे. नाउ ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई. अब हमें मीन कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉलम्स कौन से बनाने होते हैं. तो पहले तो एक हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, देन पी एक्स चाहिए. सो पहले एक्स की वैल्यू. नाउ एक्स, एक्स इक्वल्स टू 1. नाउ एक्स इक्वल्स टू 1, सो पी एक्स की वैल्यू क्या थी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 4/20. एक्स 1 तो प्रोबेबिलिटी 4/20. नाउ एक्स 2, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 12/20. एंड एक्स की वैल्यू 3 है सो प्रोबेबिलिटी 4/20. तो ये हमने एक्स के वैल्यूज लिए और ये उसकी प्रोबेबिलिटी ले ली. नाउ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के बाद अगर हमें मीन कैलकुलेट करना होगा. सो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है इसके बाद. तो हमें कैलकुलेट करना होता है एक्स इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स. सो एक्स इंटू पी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4, तो आंसर आएगा 4/20. 2 × 12, तो आंसर होगा 24/20. एंड 4 × 3, सो 12/20. नाउ अब हम इसका टोटल करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे. सो टोटल देखिए क्या हो रहा है. 4 + 24 + 12, तो ये हो गया 40/20. और 40/20 का आंसर होता है 2. सो यहाँ पर हमें मीन कैलकुलेट करना है. आप मीन लिख सकते हो, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख सकते हो. एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स ई एक्स, और ई एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स का टोटल. और ये हो जाएगा 4/20 + 24/20 एंड +12/20. नाउ सबका एलसीएम सेम रहेगा 20, और हम इन सबको प्लस कर देंगे. सो 4 + 24 + 12, तो ये हो गया 40. 40/20, तो आंसर हो गया 2. ये है इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू. हम इसे मीन भी कह सकते हैं. ये आंसर है हमारा. सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7. ये है इसका फर्स्ट पेज, आप नोट डाउन कर लीजिए. यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7, और यह है उसका जो हमने टेबल बनाया है. जब भी आप प्रोबेबिलिटी का टोटल देखेंगे ना, 1 आएगा. चेक कर लीजिए, 4 + 12 = 16, 16 + 4 = 20. सो 20/20. सो प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो 1 होता है. सो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पूरा किया.
ठीक है, होपफुली आप सबने नोट डाउन कर लिया। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड टिल आइदर अ हेड और 5 टेल्स आर ऑब्टेन। सो यहां पर एक कॉइन को टॉस करना है, कब तक टॉस करना है, आइदर अ हेड, एक हेड आ जाए, या फिर 5 टेल्स आते रहे, तब तक हमें इसे टॉस करते रहना है। इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नेसेसरी नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ टॉसिंग द कॉइन देन ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड कैलकुलेट इट्स मीन एंड वेरियंस। हमें मीन भी कैलकुलेट करना है एंड वेरियंस भी कैलकुलेट करना है। सो आइए देखते हैं। सो यहां पर हमें मीन भी कैलकुलेट करना है और वेरियंस भी कैलकुलेट करना है। सो जो टेबल बनाना होगा उस टेबल के लिए हमें एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स भी चाहिए होगा, एक्स इंटू पी एक्स भी चाहिए होगा, देन प्रोबेबिलिटी भी चाहिए होगी हमें, प्रोबेबिलिटी भी चाहिए एंड सो ये हुआ प्रोबेबिलिटी एंड एक्स की वैल्यूज भी चाहिए। नाउ आइए देखते हैं क्या क्या चाहिए। सो पहले एक्स पी एक्स एक्स इंटू पी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स और ये है उनके आउटकम। आउटकम्स ऑफ यू। नाउ एक कॉइन को टॉस करना है, कब तक टॉस करना है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अ कॉइन इज टॉस्ड टिल आइदर अ हेड, एक हेड आ जाए, और अगर हेड नहीं आया तो 5 टेल्स आने तक हमें उसे टॉस करते रहना है। अब सपोज कीजिए मेरे हाथ में कॉइन है और मैंने उस कॉइन को टॉस किया और उसका फर्स्ट आउटकम ही हेड आ गया। पहली बार टॉस किया, पहली बार ही हेड आ गया, तो बस अब मुझे दूसरी बार नहीं करना है। सो एक्स की वैल्यू होगी 1। किसी भी एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट टाइम हेड आया। नाउ दूसरा, ऐसे कब तक टॉस करना है, जब तक हेड नहीं आता या 5 टेल्स नहीं आते। अब सपोज करते हैं कि दूसरी बार मैंने कॉइन टॉस किया तो पहले टेल आ गया, पहले टेल आया और सेकंड टाइम में हेड आ गया। तो यहाँ पर मैंने ट्रायल्स कितने लिए, 2। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। नाउ ये तो वह सेकंड टाइम में आया। अब सपोज कीजिए कि 3 ट्रायल्स लगे। 3 ट्रायल्स कैसे लगे, पहले टेल आ गया, फिर भी टेल आ गया एंड देन हेड आ गया। पहली बार में हेड आ जाए तो वहां पर ही पूरा कर देना है, दूसरी बार में हेड आया तो भी पूरा कर देंगे, तीसरी बार में हेड आया तो भी पूरा कर देंगे, ये आउटकम्स पूरे हो जाएंगे, हमें उसके बाद फिर से कॉइन टॉस नहीं करना है। लेकिन अगर नहीं आया तो 5 टाइम्स हम ट्रायल करेंगे, 5 टेल्स तक। सो हेड आ गया थर्ड टाइम, सो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। नाउ सपोज कीजिए फोर्थ टाइम में आया, फोर्थ टाइम मीन्स पहले टेल देन टेल फिर से टेल एंड देन हेड, सो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ऐसा करते जाएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। नाउ सपोज कीजिए कि फिफ्थ टाइम में हेड आया, सो पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल, चौथी बार टेल एंड फिफ्थ टाइम में हेड आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, 5 टाइम्स, दैट मीन्स 1/32।
एंड अगर फिफ्थ टेल भी नहीं आया तो क्या, फिफ्थ टाइम में भी हेड नहीं आया तो फिफ्थ के फिफ्थ टेल आए होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। यहाँ पर पहली बार में हेड आ गया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया, फिफ्थ टाइम आया, यहाँ पर फिफ्थ टाइम भी हेड नहीं आया। फिफ्थ टाइम भी हेड नहीं आया मीन्स हमने कॉइन टॉस तो किया। तो देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड टिल आइदर अ हेड, एक हेड आ जाए, और फाइव टेल्स, एक हेड आ जाए तब तक करना है या फाइव टेल्स आ जाए तब तक हमें कॉइन टॉस करते रहना है। सो नाउ हमारे पास एक्स भी है, प्रोबेबिलिटी भी है। सो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा एक्स इंटू पी एक्स, वन इंटू वन तो आंसर होगा वन बाई टू, टू इंटू वन तो आंसर होगा टू बाई फोर, थ्री इंटू वन तो आंसर होगा थ्री बाई एट, फोर इंटू वन तो आंसर होगा फोर अपॉन सिक्सटीन, फाइव इंटू वन सो फाइव बाई थर्टी टू, ये मैं कर रहा हूँ एक्स इंटू पी एक्स, सो फाइव इंटू वन फाइव बाई थर्टी टू। अब हमें इसका टोटल करना होगा, अब हम इसका टोटल कैसे करेंगे, सो वही तो मीन हो जाएगा, जो हम टोटल करेंगे उसी टोटल को तो हम मीन कहते हैं। सो नाउ मीन इज इक्वल्स टू, मीन को ई एक्स भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और वो होगा सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। सो टोटल कर लेते हैं, सो टोटल होगा इसका वन बाय टू प्लस टू बाय फोर प्लस थ्री बाय एट प्लस फोर बाय सिक्सटीन प्लस फाइव बाय थर्टी टू प्लस फाइव बाय थर्टी टू। नाउ एलसीएम, थर्टी टू एलसीएम ले लेंगे, सो आइए करते जाते हैं, थर्टी टू डिवाइड बाई टू तो आंसर होगा सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू वन सिक्सटीन, थर्टी टू डिवाइड बाई फोर एट, एट इंटू टू सिक्सटीन, थर्टी टू डिवाइड बाई एट फोर आंसर आया, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, थर्टी टू डिवाइड बाई सिक्सटीन टू, टू इंटू फोर एट, थर्टी टू है सो प्लस फाइव प्लस फाइव। सो ये जो टोटल हो जाएगा वो होगा सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व प्लस एट प्लस टेन, तो ये हुआ सिक्सटी टू डिवाइड बाई थर्टी टू, सिक्सटी टू डिवाइड बाई थर्टी टू। नाउ टू का टेबल लगाएंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा सिक्सटीन और सिक्सटी टू डिवाइड बाई टू तो आंसर हो जाएगा थर्टी वन। ये है इसका मीन, ये हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। सो एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स, हमने किया क्या, हमने पहले एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, देन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, देन एक्स इंटू पी एक्स कर हमने ये सम सॉल्व किया। सो अगर हमें एक्स इंटू पी एक्स का यहाँ टोटल लिखना हो तो वो हम सीधा लिख सकते हैं 31 अपॉन 16, ये जो टोटल आया है। नाउ नेक्स्ट हमें वेरियांस कैलकुलेट करना है। नाउ वेरियांस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स चाहिए होता है। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स क्या होगा, सो एक्स इंटू पी एक्स इंटू एक्स करेंगे, सो ये देखिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर पी एक्स हो जाएगा। सो वन इंटू वन वन बाय टू, टू इंटू टू फोर बाय फोर, थ्री इंटू थ्री नाइन बाय एट, फोर इंटू फोर सिक्सटीन बाय सिक्सटीन, फाइव इंटू फाइव
25 डिवाइड बाय 32 एंड 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाय 32। नाउ हमें वेरियांस कैलकुलेट करना है। सो वेरियांस का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेरियांस हम पहले भी कर आए हैं, आइए देखते हैं वेरियांस का फॉर्मूला क्या होगा। सो वेरियांस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, ये होगी इसकी वैल्यू। नाउ हमें पहले ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ई एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा हमारे पास? इन सब का टोटल करना है। सो अब इन सब का टोटल कैसे करेंगे? वो तो लिख कर करना होगा। पहले 1/2, मैं यहाँ पर आपको रफली करके दिखाता हूँ। 1/2 प्लस 4/4 प्लस 9/8 16/16 25/32 प्लस 25/32। सो 32 डिवाइड बाय 2 16, 32 डिवाइड बाय 4 8, 8 4 जा 32, 32 डिवाइड बाय 8 4 9 इंटू 4 36, 32 डिवाइड बाय 16 आंसर होगा 2, 2 इंटू 16 32 प्लस 25 एंड प्लस 25, तो ये आंसर हो जाएगा 16 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 32 प्लस 50 166 डिवाइड बाय 32। नाउ 2 का टेबल लगाएंगे। सो 166 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 83 एंड 32 डिवाइड बाय 2 तो आंसर होगा 16। ये हमने टोटल किया, किसका टोटल किया? सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये टोटल। ये जो कॉलम है, इस कॉलम का हमारा टोटल आया है 83 डिवाइड बाय 16। सो नाउ ई एक्स स्क्वायर 83 डिवाइड बाय 16 माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, तो वो है 31 डिवाइड बाय 16। सो 83 डिवाइड बाय 16 माइनस 31 डिवाइड बाय 16, सो 31 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 961 एंड 16 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 256। अब हमें आगे क्या करना होगा? तो आगे हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम लेंगे 256, 256 एलसीएम ले लिया। सो 256 डिवाइड बाय 16 तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 83 को 16 से। 1328 माइनस 961 367 डिवाइड बाय 256, ये है आंसर इसका वेरियांस। सो ये वेरियांस का आंसर है। सो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन 8 को। पहले क्वेश्चन 8 में हमने आउटकम्स देखे, कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, एक्स की वैल्यू निकाली कि आउटकम कितनी बार आ रहा है, प्रोबेबिलिटी देखी एक्स इंटू पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये फर्स्ट कॉलम है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट पेज पहले। देन सेकेंड पेज पर हमने मीन कैलकुलेट किया, और मीन क्या होता है? x इंटू पी एक्स का जो टोटल होता है वो होता है मीन, 31 अपॉन 16, ये हो गया मीन। अब मीन कैलकुलेट कर लिया,
ठीक है। नाउ मीन कैलकुलेट करने के बाद हमें वेरियंस चाहिए, तो वेरियंस के लिए हमें एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स कैलकुलेट करना होता है। देखिए ये जो है ना, ये है ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स, और ये जो है, ये है ई एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें वेरियंस में दोनों चाहिए थे, ये दोनों हमने कैलकुलेट किए और उसको फाइंड आउट किया, और ये कुछ आपको टोटल्स करके दिखाए मैंने वेरियंस के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।